UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आना तय है, यह हम नहीं कह रहे हैं, इसका इशारा किया है PM मोदी ने। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में कहा था कि एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता। BJP यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर भ्रम दूर करेगी। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर और बांग्लादेश में ये क्यों नहीं है? PM के इस बयान से दो बातें साफ हैं। पहली यह कि उनकी सरकार UCC पर कानून लाने की तैयारी में है और दूसरी यह कि इस मसले पर मुस्लिम आबादी ही सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होगी। लॉ कमीशन इस मुद्दे पर लोगों की राय ले रहा है। आपको बताते हैं क्या है UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन इससे पहले आपको कुछ अहम बिंदु समझने होंगे। आपको प्रजनन दर के बारे में समझना होगा। दरअसल किसी समूह, राज्य या देश की प्रजनन दर 2.1 से कम होने पर आबादी घटने लगती है, यानी उस समूह या देश में मरने वालों की संख्या जन्म लेने वालों से कम हो जाती है। ऐसे में कुछ सालों के बाद देश के युवा आबादी बुजुर्ग होने लगती है और इनकी जगह लेने के लिए बच्चे कम हो जाते हैं, यानी उस समूह या देश की आबादी बूढ़ी हो जाती है। इस वक्त भारतीय आबादी की प्रजनन दर 2.05 है, यानी आबादी अब बढ़ने के बजाय स्थिर हो गई है। भारत के 36 प्रदेशों में से 31 में प्रजनन दर 2.1 से भी कम है। प्रजनन दर का मतलब है कि किसी समूह, राज्य या देश की हर महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म दे रही है। अगर किसी देश की प्रजनन दर 3 है तो उस देश की महिलाएं अपने जीवन काल में औसतन 3 बच्चों को जन्म दे रही हैं। मुस्लिम बहुल प्रदेशों की भी प्रजनन दर 1.8 हो गई है। जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी 20% से भी ज़्यादा है, वहाँ भी प्रजनन दर 1.8 से नीचे है। यानी इन मुस्लिम बहुल प्रदेशों में 10 महिलाएं अपने जीवन काल में औसतन 18 बच्चों को जन्म दे रही हैं, मतलब एक महिला के औसतन 2 से भी कम बच्चे। इसमें UP अपवाद है, जहाँ यह दर 2.4 है। हिंदू से भी ज्यादा तेजी से मुस्लिमों की प्रजनन दर घट रही है, यह हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल NFHS के आंकड़ों के मुताबिक देश के सभी धार्मिक समूहों में प्रजनन दर में गिरावट आई है। पिछले 29 सालों में यानी 1992 से 2021 के बीच मुस्लिमों की प्रजनन दर में सबसे ज्यादा 46.5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं हिंदुओं में 41.2% की गिरावट आई है। 1992 से 1993 की NFHS 1 की रिपोर्ट में मुस्लिमों में प्रजनन दर 4.41 थी, जो घटकर अब 2.36 हो गई है। वहीं हिंदुओं की 3.30 थी, जो घटकर 1.94 हो गई है। वहीं इसका एक दूसरा पहलू भी है। प्रजनन दर का सीधा संबंध धर्म से नहीं बल्कि शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सुविधा से है। 2015 से 16 के NFHS 4 के आंकड़ों में भी दिखता है, इसमें साफ देखा गया है कि कम आय वाले लोगों में प्रजनन दर 3.2 है, वहीं अमीरों में यह 1.5 है। इसी तरह अपर कास्ट की प्रजनन दर 1.9, बैकवर्ड क्लास की 2.2, अनुसूचित जाति की 2.3, अनुसूचित जनजाति की 2.5, मुस्लिमों की 2.6 है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें सहारा समय डिजिटल के साथ।